अब खबर है सावली तहसील से, जहां तहसील के व्याहाड़ बूज में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिन के निमित्त अश्वरूढ़ पुतले का अनावरण का कार्यक्रम हजारों शिव भक्तों की उपस्थिति में हर्षोल्लास से किया गया। सावली तहसील के व्याहाड़ बूज में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिन के निमित्त 6 जून को शाम को तकरीबन 6 बजे से रात के लगभग 12 बजे तक हजारों शिव भक्तों की उपस्थिति में छत्रपति शिवाजी महाराज के अश्वरूढ़ पुतले का अनावरण हर्षोल्लास से किया गया। शिव छत्रपति महाराज बहुदेशी युवा मंडल की ओर से यह भव्य आयोजन किया गया था। इस मौके पर उद्घाटक कर में पूर्व बांधकाम सभापति दिनेश पाटिल चिकनोनवार के साथ कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में पूर्व बांधकाम सभापति संतोष तंगड़पलीवार उपस्थित थे। साथ ही अन्य मेहमानों सह उद्घाटक के रूप में पूर्व सभापति तथा पंचायत समिति के रविंद्र बोलीवार, सरपंच कविता बोलीवार, मुख्य मार्गदर्शक के रूप में प्राध्यापक संदीप लांजेवार, गोंडाना सीनेट सदस्य की मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। सर्वप्रथम मान्यवरों के हाथों दीप प्रज्वलन किया गया। इस मौके पर अन्य मान्यवरों में प्रशांत पाटिल चिटनुरवार, आशीष मनबत्तुलवार, नितिन गोहने, प्रवीण गिडाम, दिवाकर मैकलवार, दीपक गद्देवार, मठान बाबूजी, योगेश बोमनवार, अनिल गुरुले, दिवाकर गिडाम, पीताम्बर वासेकर, डॉक्टर तोड़ेवार के साथ अन्य प्रमुख पदाधिकारी, ग्राम पंचायत के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। मेहमानों के हाथों फीता काटकर पुतले का अनावरण किया गया और इस मौके पर मान्यवरों ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। हजारों की संख्या में उपस्थित शिव भक्तों ने मोबाइल टॉर्च शुरू कर महाराज को वंदना दी और हर तरफ जय भवानी जय शिवाजी का जय घोष हो रहा था। इस मौके पर बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने भगवा परिधान धारण किया था और पुतले के अनावरण के बाद डीजे की धुन पर छत्रपति शिवाजी महाराज के गानों पर अनेक शिव भक्तों ने वहां पर समावा था। पूरा परिसर शिवमय हो गया था। इस मौके पर सीटीवी न्यूज के विशेष प्रतिनिधि प्रवीण गिडाम भी वहां पर मौजूद थे और इस यादगार लम्हे को उन्होंने कैमरा बंद किया। कार्यक्रम की सफलता के लिए शिवाजी महाराज बहुदेशी युवा संस्था के सदस्यों ने अथक परिश्रम लिया। प्रस्तुत है इस कार्यक्रम की कुछ आकर्षक झलकियां सीटीवी नजर से। सीटीवी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि प्रवीण गिडाम की रिपोर्ट।